मांडा टीम के लिए अपने टीम के लिए रानीपुर का टीम वर्ड तीन मणिपुरा का लीडर इस समय रेट करते हुए रानीपुर के लिए लंबे कट्टे शरारे वदन के लीडर देखते हैं क्या करते हैं। बिना अगर रानीपुर का कोई भी खिलाड़ी तीन टच पॉइंट लाता है तो कमेटी के तरफ से 51 रुपया, तीन टच पॉइंट लाता है तो सनी देवल के तरफ से रानी हंड टच के रूप में 1 पॉइंट मिलता हुआ। अरे बाबी देवल और उनके टीम के लिए भी 1 पॉइंट मिला तो रानीपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 4 मणिपुरा का 1 मणिपुरा का रेट करते हुए इस दुधिया रोशनी में मैच खचा खच दर्शकों से भरा हुआ। जितने हमारे दर्शक हैं इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं मणिपुरा का रेट करते हुए रानीपुर के कोर्ट में बिना अंक वापस। एक तरफ मणिपुरा के लंबे छरारे का खिलाड़ी, दूसरे तरफ रानीपुर के छोटे छोटे नव युवक खिलाड़ी, दो अंकों का और इजाफा करती हुई रानीपुर की टीम। रानीपुर बिल्कुल दिखने में कमजोर लेकिन हौसले के साथ टाइट और इस तरह से थर्ड रेड टू डाई दबोच लिए गए मणिपुरा के खिलाड़ी। सात डिफेंडर रेडर पर टूट पड़े और किसी भी संभावित को खत्म कर दिया और रेडर आउट। इस तरह से 1+2 तीन पॉइंट का और इजाफा। कहूंगा कि जिंदगी से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमे में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जिस तरह से यह छोटे छोटे बालक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं निश्चित तौर से काबिलियत तारीफ है। 10 रानीपुर और 1 मणिपुरा। चाहता हूँ कि रानीपुर को छोड़ जब करो, रानीपुर की फील्डिंग बहुत लाजवाब है, उनका क्षेत्रफल बहुत लाजवाब है। मणिपुरा का एक अंक मिलता हुआ और एक अंक के साथ मणिपुरा और मणिपुरा का रेडर रानीपुर कोर्ट में रेड करता हुआ। देखते अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। 8 पॉइंट का अंतर है लेकिन अभी बहुत समय शेष बचा हुआ है, अभी कभी भी कमबैक टीम कर सकती है मणिपुरा की कबड्डी। हाफ टाइम का लास्ट समय शेष है 1 मिनट। सनी देवल लगातार रेड करते हुए रानीपुर की तरफ से मणिपुरा की कोर्ट में बहुत ही छरारे बदन के है, देखने में तो छोटे लेकिन उनकी कटकाती बहुत तेज तो लेकिन जब जब गए देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। मणिपुरा को हमेशा गंभीर दे रहे हैं। थर्ड रेड डू और डाई मणिपुरा के तरफ से रानीपुर के पाले में 60 डिफेंडरों के बीच रेड करता हुआ बोनस आन है। देखते हैं अपनी टीम के लिए कुछ करते हैं या नहीं। और इस तरह से डू और डाई को बचा लिया, एक अंक और इजाफा करती हुई मणिपुरा की टीम। मणिपुरा 3 रानीपुर 11। रानीपुर का रेडर मणिपुरा के पाले में रेड करता हुआ 60 डिफेंडरों के बीच बोनस आन है। हाफ टाइम का लगभग लगभग लास्ट टाइम है और लास्ट रेड इस तरह से एक अंक का और इजाफा करती हुई रानीपुर। रानीपुर 12 मणिपुरा 3 रानीपुर के तरफ से मणिपुरा के पाले में 12 रानीपुर मणिपुरा 3। निश्चित तौर से जिस अंदाज में हमें पहले दिखते थे अभी अभी भी लगभग वही अंदाजा वही अभी वही धैर्य सुनाई है। नितेश की तरफ से रानी देवल बोनस अटेंड करते हैं तो नितेश की तरफ से 50 रुपये दिया जाएगा। इस समय खेल रुका हुआ। आप चलिए समय शुरू मणिपुरा की तरफ से रेड करता हुआ और इस तरह से मणिपुरा 5 रानीपुर 14 जा सकता और इस तरह से रानीपुर का खिलाड़ी लंबे छरारे बदन का 2 अंक इजाफा करता हुआ 2 अंक। रेफरी महोदय बैठे ना भैया, आपका सबसे बड़ा योगदान है।
और इस तरह से बहुत ही शानदार टैकल, एक अंक इजाफा करते हैं रानीपुर। गुरुकुल एकेडमी के डिहवा, अगर आप कहीं भी हो तो आप अपने टीम से संपर्क कर लें, कमेटी के पीछे आके संपर्क कर लें। गुरुकुल एकेडमी डिहवा अंकित, और इस तरह से रानीपुर का लड़का टैकल कर लिया गया। एक अंक का इजाफा मलिकपुरा के खाते में, मलिकपुरा 7 और रानीपुर 17। शेष समय लगभग 3 मिनट। शिव भजन कहीं भी हो तो आकर कमेटी से संपर्क कर ले। मलिकपुरा का रेडर रानीपुर के पाले में रेड करता हुआ, बोनस अंक, एक अंक और इजाफा करती है मलिकपुरा। मलिकपुरा 8 रानीपुर 17। रानीपुर का रेडर मलिकपुरा के पाले में 4 डिफेंडरों के बीच रेड करता हुआ, देखिए अपने टीम के लिए कुछ करते हैं या नहीं, अंक ले जाते हैं या अंक दे जाते हैं। और इस तरह से मैं पहले ही बताया, यह बालक बहुत ही होनहार बालक है, आप इसे इतनी आसानी से न ले। एक अंक का और इजाफा होती हुई रानीपुर की टीम 18 और मलिकपुरा 8। अरे भैया आपका इनाम यही रह जाएगा, सन्नी देवल आप पे कुछ नहीं तो 150 का इनाम है। आप यह न सोचे कि लास्ट प्लेयर बचा आएगा तो हम 3 पॉइंट ले लेंगे, पैसा मिलेगा। कमेटी मूर्ख नहीं है। और इस तरह से एक अंक और इजाफा होती रानीपुर के खाते में। निश्चित तौर से अब लगभग 2 मिनट का समय, अब जीतना है मलिकपुरा को तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो वापसी करना इतनी आसान नहीं है। और इस तरह से मलिकपुरा ने खुद ही समर्पण कर दिया रानीपुर को। इस तरह से बहुत ही अंतराल से रानीपुर ने विनर रही।